अलवर राजस्थान से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। मैडम ये मेरे पैर पे जख्म हो रहा है, तो मैंने पहले भी बात की थी, तो मैंने आपकी दवाई ली थी तो उससे फर्क हो गया था, बिल्कुल मतलब खत्म हो गए थे। अब वो दवाई इन्होंने तीन रोजा का गोंद जो ले रही थी ना, वो आपके सामने बंद करवा दिया था, तो अब मतलब मैंने दोबारा बंद ये पैरों के लिए बोला कि ये पैरों के लिए नहीं है, मैं सिया गोंद लो, मैं सिया गोंद दे रही हूँ अलसी के साथ। अब मेरे गोंद मैंने दोबारा चालू कर दिया तिलगोना का, लेकिन मेरे जख्म दोबारा बन गए वही जैसे पहले था। तो मैं आपके सामने से पूछ रही हूँ, इसमें डॉक्टर इलाज तो कोई है नहीं, मैं जयपुर दिल्ली अलवर सारे दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब मैं ये पूछ रही हूँ इनके पास कोई और दवाई हो ये कैसे ठीक होगा, वो ही पहले की तरह जख्म बन गए। मैं तो इतनी खुश हो गई थी कि मेरे जख्म बिल्कुल भर गए थे। ठीक है बेटा जी, मैं ये और पूछ रही हूँ मतलब सिया गोंद नुकसान तो नहीं कर रहा है, अलसी के साथ ले रही हूँ मैं तीन टाइम, थोड़ा सा घुटने में फर्क है इसलिए मैं बंद नहीं करना चाहती। हाँ बेटा ये आपके घुटने के दर्द के लिए है, और आपको जिस दवा ने फायदा दिया यानी चिलगोजे का गोंद वो आप लीजिए, लेकिन ज़रा सा ही लेना, जितना आपने लिया था उतना ही लें, क्योंकि ये दुनिया का तेज तरीन रॉ मटेरियल है। देखो बच्चा ये सब रॉ मटेरियल बताता हूँ बना, और आप उसे खुद बनाते हैं, और इसमें भगवान ने बड़े फ़ायदे रखे हैं, जिससे भी आपको फ़ायदा हो दूसरों तक उसका फ़ायदा पहुँचा दें। वो चिलगोजे का गोंद आप ले सकते हैं, कम लें, धीरे धीरे आपको फ़ायदा मुमकिन है, और जब तक आपको पूरा फ़ायदा ना हो जाए उसके बाद भी थोड़े दिन खाते रहें, आपको फायदा मुमकिन है। महाराष्ट्र से हैं दीपाली जी, स्वागत है आपका। मैम मेरा सवाल ये, मेरी मम्मी है 53 साल है दीपाल है, उन्हें ना सर के एक साइड में बहुत तकलीफ होती है, वो जो अपने हाथ का जो मुंडा है उसकी तरफ बहुत तकलीफ होती है, मम्मी उसको बहुत तकलीफ कम करने के लिए दवाई देती है, जैसे वो डिस्प्रिन है, सलमान है, ऐसी प्रकार की दवाई देती है, उसका दर्द कम हो जाता है, और कुछ एक दिन या दो दिन मतलब पहले बहुत होता था, अभी दवाई वगैरह करके थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन वो जो गोली है उसको लेना ही पड़ता है, इसका मतलब वो गोली लिए बिना उसका सर दर्द भी कम नहीं होता, सर की जो एक हिस्सा है वो इनसे बहुत तकलीफ है, जैसे मतलब बोलते कुछ ऐसे चुभो या कुछ ऐसे मारो जैसे उसको तकलीफ होती है, चक्कर आती है इससे। अच्छा देखो बेटा ऐसा बैठे जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसे बैठे, मम्मी आप समझ ले मेरी बात को, और ये कान हमें यहाँ मिटाना लगाना है, देखिए कान मेरा मेरे मोढ़े से लगता है, ठीक है ना, ऐसे उनको पूरे दिन में 3 मिनट करना है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे पूरी तरह जितना भी कान लग सके, मेरा तो पूरा लगता है, उनका नहीं लगेगा लेकिन धीरे धीरे लगने लगेगा, लेकिन ऐसे मोंडा उठ नहीं उठाएं, कुछ लोग ऐसे मोंडा उठा के ऐसे मिला देते हैं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये 3 मिनट करना है, एक साथ कोई नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे पूरे दिन में 3 मिनट करना है, जैसे भी आपको हो टाइम देख के करें, एक तो ये और एक ये देखिए ऐसे यहाँ से पकड़ के पूरी तरह देखिए ये यहाँ तक आ जाता है और यहीं देखना है, यहीं तक आ जाता है और यहीं देखना है, पूरी तरह खूब जोर से मोड़ें, ये भी 3 मिनट, हो सकता है आपको मम्मी को दवा की ज़रूरत भी ना पड़े, और दवा की ज़रूरत पड़े तो गोंद स्याह ले लें, एक रॉ मटेरियल है काला गोंद, असली लेना ज़रूरी है, आधा ग्राम रोज़ाना एक बार उन्हें कम चर्बी के दूध के साथ खिला दिया करें, बस ये इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है फायदा होना चाहिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। एडियों में दर्द रहता है। उम्र कितनी है आपकी? 60 जी। और दूसरा नींद ज्यादा दुखी करते, नींद आती मेरे को। इस उम्र में ये दर्द आ ही जाता है, और मैं अक्सर एक नुस्खा बताता हूँ जो आपको खुद ही बना लेना है, खुद ही इस्तेमाल करना है, फ़ायदा उठाना है, रॉ मटेरियल है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो जिसको भी असली मिल जाता है उसको फ़ायदा होना मुमकिन है, उसे कहते हैं गोंद स्याह,
स्याह मतलब काला, या काला गोंद कह लीजिए उसे आसान भाषा में। लेकिन इसका असली मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आप खरीद लें, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, ये आपकी एक दिन की खुराक है। 1 ग्राम गोंद लें, उसके 2 हिस्से करें, 0.5 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से, खाने नाश्ते के पश्चात या खाने के पश्चात आप इसे खा लें। शहद में मिला के खा लें, मलाई में मिला के खा लें, कड़वा होता है काफ़ी, तो अगर ऐसे ही खाएंगे तो चिपकता है मुंह में और मुंह बहुत कड़वा कर देता है, तो मलाई में मिला के खाएंगे तो जल्दी से खा सकते हैं, या शहद में मिला के 1 चम्मच खाएंगे तो खा सकते हैं, या किसी भी तरह आपके पेट में जाना चाहिए। दिन में 2 बार 0.5 ग्राम, ये आप अगर असली खरीद लें 100 ग्राम भी, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जलंधर से है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए अपना सवाल करिए। उन्होंने ना मेरे बेटे ने ना नाक से और लेटर में से खून आता है। उम्र कितनी है? मुंह में से और लेटर में से, मुंह में से भी खून आता है। मैम उम्र बता दीजिए। 40 साल। देखिए सीरियस है, आप उसकी रिपोर्ट शेयर करें, हमारे से व्हाट्सएप नंबर ले लें, हेल्पलाइन नंबर से उनकी रिपोर्ट शेयर कर लें। 2 जगह से खून आना अच्छा नहीं कहलाता, लैट्रिन से खून आना है उसको आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन मुंह से कहाँ से आता है उसके लिए जो जांच आपने कराई है उसकी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज दें, हम आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर पाएंगे। अगले कॉलर हैं बिहार से, हर्ष जी स्वागत है आपका। मैं वकील साहब से बात कर रही हूं। बात कर लीजिए जी। हर्षवर्धन जी आपसे बात हो रही है, बताइए क्या सेवा। हेलो हाँ नमस्ते वकील साहब जी। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपका। हाँ, स्वागत है। आदाब, जय हिंद, स्वागत। सर आपका प्रोग्राम रोज आता है 10 बजे, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपको लगता है सर, अच्छे से नुस्खे बताते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत धन्यवाद आपका सर। मतलब मेरे दादाजी को नींद नहीं आती थी, तो आपने बोला था कि सर दिन में गरम पानी आज 5 बार पीने के लिए और शरीर से पसीना निकालने के लिए और जैतून का सिरका देने के लिए, तो इससे सर दादाजी को नींद आने लगी सर। अब 5-6 घंटा सो रहे हैं सर, तो इसी के लिए थैंक्यू करने के लिए फोन करना था सर। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छे तो आप हैं, लोग दादा से इतना जुड़े नहीं रहते, दादा जुड़े रहते हैं, लेकिन आप अपने दादा के लिए आपने कॉल किया, शुक्रिया, और फीडबैक कॉल दिया, हम आपके बड़े आभारी। ये रोग किसी को भी हो, आप जो हमने आपको मशवरा दिया आप किसी दूसरे को भी मशवरा दें। बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, इलाज नहीं मिलता। मैं आपको जो रॉ मटेरियल बताता हूँ उसका प्रचार प्रसार करिए। हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, खूब प्यार करिए, ये बहुत कीमती हैं आपके दादा, ये आपके बाप के भी बाप हैं, ये आपको कितना चाहते हैं, आपके डैडी आपको तो बहुत चाहते हैं आपको लगता होगा, लेकिन ये डैडी से भी 100 गुना आपको मोहब्बत करते हैं, याद रखें, ये बहुत कीमती हैं। ये सायदार वृक्ष है आपके आंगन का, ये जब तक रहेगा आपको धूप नहीं छू पाएगी, तो इनका बहुत ख्याल रखिए और मेरा आदाब बोलिए दादाजी को, ज़रूर बोलिए और मेरे लिए दुआ के लिए कहिए। हरियाणा से हैं वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका। मेरी वाइफ की उम्र 15 साल है, उसको ब्रोंकाइटिस है। देखिए फेफड़े में एक इन्फेक्शन होता है जिसमें आवाज़ आती है, जब हम अपनी सांस बाहर निकालते हैं तो एक सीटी सी आवाज़ आती है और ये आवाज़ रात को बहुत परेशान करती है, तो ये एक इन्फेक्शन होता है, इसके लिए आप 6-7 महीने लगातार इलाज करें, खट्टी चीज़ें का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, कोई भी खट्टी चीज़, और वही सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें,
और 30 ग्राम पीपलें ख़रीदें, इनका पाउडर बनाएं और इसको आप एक चम्मच सुबह खाली पेट खिलाया करें पत्नी को अपनी गर्म पानी के साथ। ऐसा आपको काफ़ी दिन तक करना होगा। बहुत ज़्यादा है तो रात को सोते समय भी इसकी एक खुराक खिला सकते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हर्ष जी जुड़ गए हैं। जी आपका कोई सवाल रह गया है? हाँ मैम, मेरा एक सवाल आगे चाहते हैं सर। सर के ऊपर से ना सर बाल उड़ गए हैं और सर उसमें हल्का हल्का सर जिद्दी टाइप के दाग हो गए हैं, थोड़ा सी जैसा हो गया है सर, तो इसके लिए क्या नुस्खा बता सकते हैं सर? हाँ देखिए, गौन मोरिंगा सफ़ेद, असली वाला गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला पानी दूध या नारियल पानी के साथ एक ग्राम रोज़ खाइए, आपको फायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम क्या है? नसरीन जी, आपका सवाल? मैं सूर्य से तो गए पूरा जिस्म मेरे को सोराइसिस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 है। ठीक है ठीक। अच्छा देखिए, एक आता है नमक जैतून, याद रखें ये एक ऐसा नमक है, रॉ मटेरियल है ये, जो देखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में जायके में नमकीन नहीं होता। ये एक चुटकी आप 2 गिलास पानी में डालें और दिन में कम से कम एक बार ज़रूर पी लिया करें। शुरू में 10-15 दिन, महीना एक ही बार पिए, लेकिन असली लेना, इसमें नकली भी लोग देने लगे हैं, बस ये पी लिया करें। आपका इलाज थोड़ा सा लंबा चलेगा और धीरे धीरे आपके ये खुश्क होते हैं, जो उसके दाने होते हैं खुश्क होने लगते हैं। उन्हें नाखून से मत छीलिए, और खुजली हो तो खुजाइए नहीं बल्कि ऐसे सहला लीजिए, ज़रूरत पड़े तो तेल लगा लें, और इनके खुरंट जो हैं वो खुद छूटने दीजिए, इससे नए दाने निकलने बंद होते हैं और पुरानों को अपने आप गिरने दीजिए। उनके खुरंट को लगातार 7-8 महीने इलाज करें, ऊपर वाले से मदद मांगें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से हैं पूनम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरा ये सवाल है, अभी 4-5 दिन हो गए मेरे कान में ना एकदम आवाज ऐसी बंद हो गई है, सुनता हो गया है। सरसों का तेल गरम करके उसमें लहसुन डालकर भी मैंने कान में डाला, अभी डॉक्टर के पास जाके गोली आई ड्रॉप भी लाया मैंने ईयर ड्रॉप, लेकिन कुछ आराम नहीं है मैम मेरा वाला। मेरे मतलब एक तरफ से कान बंद सी हो गई है मेरे, वैसे जैसे सुनसान रात में कैसे सांग साई करके आवाज आती है वैसे आवाज आ रही है जी। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 33 उम्र है सर मेरी। अब क्या बहुत मेहनत करते हो? जी नहीं सर, अभी कुछ मतलब अभी कल 15 दिन होते हैं तो मेरा नजदीक का ऑपरेशन हो गया है, तो अभी मम्मी की यहाँ आई हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई काम वगैरह नहीं है सर। मैं बाहर गांव से आई तो कान अच्छा था मेरा वाला, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद से एकदम से कान बंद हो गई, बस से प्रवास किया सर हमने, और उसके 4-5 दिन अच्छा लगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद में मतलब कान अचानक से बंद हो गई सर मेरी वाली एक तरफ की, दाहिनी तरफ की काफी। ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चा देखो, मेरी बात गौर से सुनो, अगर आप ऐसे कोनी के ज़रिए ऐसे लेट जाती हो, जैसे टीवी देख रहे हैं और ऐसे करके लेट के देखते हैं तो मत देखा करो, या ऐसे करके इधर, और बहुत गर्दन पे फ़र्क नहीं पड़े, यहाँ पर ना पीछे गर्दन पर, और एक एक्सरसाइज शुरू करिए, ऐसे बैठे मेरी तरह और देखिए, ये आप पूरे दिन करिए जितना भी आपके बस में है, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज और एक ये देखिए, पूरी तरह मोड़ लो, ये हमारी ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, देखिए तो यहीं देखना है, आपके जितना बस में हो उतना करिए, ठीक है, और कम से कम 15 दिन लगातार करिए। बहुत मुमकिन है कि किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े, बस इससे ही आप अच्छे हो जाएं, और अगर
पड़े ज़रूरत तो गोंद सिया असली लेकर आधा ग्राम रोज़ खाया करें। गोंद सिया एक काला गोंद को कहते हैं, काला गोंद भी से कहा जाता है, जो नकली बहुत मिलता है। असली लें और आधा ग्राम एक चम्मच शहद में मिला के रोज़ाना एक बार खा लिया करें, और दूध या पानी पी लिया करें, थोड़ा कड़वा होता है, या मलाई में मिला के खा लें। ऐसे ही खाएंगे अगर उसको तो कड़वा बहुत आता है, क्योंकि गोंद है तो वो मुँह में चिपक जाता है, कड़वा बहुत होता है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मलाई में मिलाकर या शहद में मिलाकर एक बार खाया करें, और ये एक्सरसाइज जितना आपके बस में है करिए, आपको फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है करण, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, बताइए। हेलो, हाँ मैं हकीम साहब से बात करती है। जी करण साहब, बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है आपका, स्वागत है। हेलो, हाँ नमस्ते किशाब जय। हाँ सर, बहुत दिनों से सर फोन लगा रहे थे, आज जाके फोन लगाया सर। धन्यवाद। हाँ सर, आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर, और उससे अच्छा आप लगते हैं सर, और आपका जो शेर है वो भी बहुत अच्छा रहता है सर। बहुत धन्यवाद करण जी, बताएं क्या सेवा करूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मतलब प्रोग्राम जब आता है टीवी पर तो सर सबसे ज्यादा आप ही का प्रोग्राम चलता है सर, मेरा पूरा सोसाइटी है सर पटना में। अच्छा सर, सर टीवी के लिए सब कुछ बहुत बहुत आपका सेहत और जिंदगी। बहुत प्रेम है आपका, आपकी सोसाइटी का मेरे साथ। मेरा सब, मेरी तरह सबको आदाब कहिए, और मेरे लिए दुआ के लिए कहिए, मुझसे कोई फ़ायदा पहुंचे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी सोसाइटी को मुझसे फ़ायदा पहुंचे, और मुझे ये उम्मीद रहेगी अगर मेरे किसी मशवरे से आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो तो पूरी सोसाइटी वो फ़ायदा सब तक पहुंचाए, दोस्तों दुश्मनों रिश्तेदारों को सबको, कोई भी फिर उस रोग का रोगी आपके इलाके में आपके रिश्तेदारों में ना रहना चाहिए। और बताइए क्या सेवा करूं सर। आपका तो मतलब सब नुस्खा ठीक है सर, लेकिन एक नुस्खा सर चेहरे बता दीजिए, चेहरे का रंग साफ करने के लिए और सोराइसिस के लिए। ठीक है सर, बस यही दो सवाल है सर। और आपका अच्छा रहता है प्रोग्राम जो सर, प्रोग्राम में कभी कभी अपना सर, आपका सिर बहुत अच्छा रहता है सर। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं कवि तो हूँ, तो कविता सुना देता हूँ कभी कभी, और कवि तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अगर अच्छा सुनने वाला मिल जाए तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, कवि हो या शायर, तो सुनने वाले से। और इनको अगर आप मिल जाएं कभी तो ये अपने पास से आपको चाय पिलाएंगे, सिगरेट पिलाएंगे, और बस ये चाहेंगे कि उनकी कविता की तारीफ हो जाए। यहाँ तो बगैर चाय और सिगरेट के मेरी कविता की तारीफ हो रही है, बहुत धन्यवाद। बहरहाल देखिए, सोराइसिस का इलाज थोड़ा सा लंबा है। ये जो मैं बताता हूँ आपको अक्सर, नमक जैतून ये करो, मटेरियल तो है ही, इसमें कुदरत ने बड़ी शिफा रखी है, बड़ा फ़ायदा रखा है। ये इस कदर रोगों में काम आता है जिसमें स्किन के रोग, चाहे मुहासे निकलते हों या सोराइसिस हो या एसिडिटी होती हो, गैस होती हो, इन्फेक्शन हो या पेशाब में जलन हो, मैदे में गर्मी हो या लीवर फैटी हो जाता है, लीवर काम ठीक से नहीं करता, या किडनी में प्रॉब्लम हो, इन सब रोगों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, अगर आप उसी कदर करें। और कदर तो खैर करते हैं, लेकिन असली मिल जाना ज़रूरी है। ये खरीद लें और एक चुटकी रोज़ाना दो गिलास पानी में डाल के एक बार पीना शुरू करें, और ज़रूरत हो तो दो बार भी ले सकते हैं। आपके दोनों रोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। भगवान से मदद मांगना भी ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।